से रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल पैक आज एक सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, नरमी के साथ देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरसों का स्टॉक कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राई मिलें भी बंद हो चुकी हैं, तो सरसों की कीमतें अब क्यों कम हो रही हैं? देखिए, सरकार काफ़ी सख्त हो चुकी है खाने के तेलों को लेकर। अभी सरकार ने सरसों के बाद खाने के तेल पर भी सरकार ने जो है वो स्टॉक लिमिट लगाई है। सरकार ने तिलहन पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है। 31 मार्च 2022 तक स्टॉक लिमिट के नियम लागू रहेंगे। और खाद्य मंत्रालय ने अभी पीछे फ्राइडे को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो स्टॉकिस्ट हैं यानी कि जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने ये स्टेप उठाया है। वहीं केंद्र ने भी स्टॉक की सीमा तय करने का काम राज्यों पर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी इन्वॉल्व होती हुई इनमें दिखाई दे रही है। मौजूदा स्टॉक के आधार पर और कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर आगे सीमा तय की जाएगी कि कौन कितना माल अपने पास स्टॉक कर सकता है। हालांकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को कुछ शर्तों पर छूट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का इंपैक्ट जो है वो खाद्य तेल के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब खाद्य तेलों में तेजी जो है वो खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई बाजारों में बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। जो प्रॉफिट आना था वो आ चुका, अब जो काम होगा वो जो है एक सीमित दायरे में आपको देखने को मिल सकता है। लंबी तेजी फिलहाल भूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर कोई कमोडिटी उछलेगी तो वो है ग्वार। ग्वार के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, जैसा हमने पहले खाद्य तेलों में देखा था। मुझे लगता है कि सभी जो व्यापारी लोग हैं वो उसके अंदर एक्टिव हो चुके हैं। अब उसके अंदर कंपनियां जो है वो काफी एक्टिव हैं, अब उसको ऊपर ले जाने की कोशिश में है इंस्टेड ऑफ की एडिबल ऑयल पैक के अंदर, क्योंकि सरकार ने अपनी कमर कस ली है। इसलिए प्राइसेस को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरीके के सरकार के द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं उसे दिखाई दे रहा है कि अब कीमतें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। वो खाद्य तेलों में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। त्योहारी सीजन की मांग के चलते छुटमुट खरीदारी आ सकती है, लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा भी फिलहाल ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। सोयाबीन नीचे में 5,000 आ सकती है। नवंबर वायदा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो 1200 तक नीचे लुढ़क सकता है। वहीं सरसों की बात करें तो 8,000 से लेकर 7500 के घरों में सरसों भी कारोबार करती हुई आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। जी,